हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट या जब भी कभी आपको हल्का फुल्का भूख लगे ना तो आप इसे बना सकते हो, वो भी बस एक चम्मच ऑयल में। तो चलिए फ्रेंड, देरी किस बात की है, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 कप के बराबर पानी डाला है और उसे गर्म होने देना है। जब वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए ना तो उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और उसके साथ ही इसमें 1 छोटी कटोरी सूजी लेना है। आपके पास जो भी सूजी हो ना, मोटी वाली या जैसी भी हो ना, आप वो ले सकते हो। अब सूजी डालने के बाद ना इसे अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएं, बिल्कुल अच्छी तरह से चलाते रहें ताकि ये नीचे बैठे ना। तो चलाते हुए ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ चुका है, यानी ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसे ना एक बड़े से बर्तन में निकाल के इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, तो चलिए इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए एक बड़ा सा पैन लेना है, उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों डालकर इसे क्रैकल होने देना है। जब ये क्रैकल हो जाए ना तो उसमें ग्रेट किया हुआ अदरक डालना है और उसके साथ ही इसमें 2 से 3 ग्रीन चिल्ली को भी फाइन चॉप करके डाल देना है। अब इन सभी चीज़ों को कम से कम 1 मिनट के लिए ऐसे फ्राई कर लें और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए ना, तो एक छोटे साइज का प्याज लिया है उसे भी इसी में डाल देना है। अब प्याज भी अच्छी तरह से पक चुका है तो उसके साथ ही 1 छोटे साइज का टमाटर लिया है उसे भी इसके साथ डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से पका लें। ज़्यादा ना पकाएं, हल्का ही पकना चाहिए। और जब ये सभी चीज़ें पक जाए ना, तो मैंने 2 बड़े साइज का आलू लिया है, उसको इसमें डाल देना है और उसको ऐसे चलाते हुए मिक्स करना है ताकि इसमें कोई बड़ी गुठली वगैरह ना रहे। तो आलू को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, तो इसमें कुछ मसाले डालते हैं, जिसमें थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़े से रेड चिल्ली पाउडर, उसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सभी चीज़ों को डालते हुए चलाते हुए अच्छी तरह से पकाएं इसे और ध्यान रखें इसमें कोई बड़े टुकड़े ना रहे आलू का, बिल्कुल अच्छी तरह से। तो बिल्कुल ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, तो जो हमने सूजी का डो बनाया था ना, तो उसे चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इसे ऐसे मसल मसल कर इसे डो के फॉर्म में लेकर आना है, बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे इसे गूंथना है और इसे का एक डो तैयार कर लेना है। तो डो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। और अब जो स्टफिंग हमने तैयार किया था ना, वो भी ठंडा हो चुका है ना, तो अब उसका भी छोटे छोटे से बॉल्स बना लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से बॉल्स बनाना है। तो सारे बॉल्स बना के हमने रेडी कर लिए हैं। तो अब क्या करना है, सूजी के डो से ना थोड़ा सा डो लेना है और उसका एक लोई तैयार करना है। ऐसे दबा दबा के से कचौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको ऐसे दबा दबा के अब इसके अंदर पता है क्या डालना, इसके अंदर अब ना जो आलू का स्टफिंग तैयार किया था ना उसे डाल दें और उसके बाद इसे अच्छी तरह से ऐसे दबा दबा के बंद कर दे ताकि इसमें कोई कहीं टुकड़े फटे वटे मतलब फटे ना। तो ऐसे करके आप लोगों को भी ऐसे करके तैयार करना है, बिल्कुल ऐसे करके कहीं से फटा ना रहे। तो एक को हमने बना के तेरे तैयार कर लिया है, तो सारे को हमने नाश्ते को बना के बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो हमें इसे स्टीम करना है, तो स्टीम करने के लिए मैंने ना आज स्टीमर नहीं लिया है, ना ही आज मैं इसे कुछ अलग तरीका से स्टीम करूँगी। आप चाहो तो इडली मेकर जो होता है ना उसमें भी स्टीम कर सकते हो, बट आज मैं इसे छलनी में स्टीम करूँगी। तो स्टीम करने के लिए रेडी हो चुका है। तो क्या करना है कि
एक गैस पे ना एक एक गैस पे एक बड़ा बर्तन रखा, उसमें एक गिलास पानी डालकर उसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये नाश्ते को उस पर रख देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद चेक करें तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। तो अब इसे गैस मतलब इसे आप यहाँ निकाल लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो चटनी वगैरह के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है। बट मैं इसे थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए एक पैन लिया है, उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच सरसों डाला है, ये नाश्ते को उसमें डाल दिया है। और जब एक तरफ पक गया तो उसे पलट के दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से पका लिया है। और पकाने के बाद एक प्लेट में निकाल लिया है। तो ये रहा हमारा बिना ऑयल का नाश्ता फ्रेंड। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।